अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैमरस रिव्यू पॉइंट। तो कैसे हैं माय लवली एंड माय स्वीट से व्यूअर्स। तो माय ग्लैम फैम फैमिली कैसी है। तो यहाँ पे मैंने पार्सल मंगाया था मीशो से ही। तो ये देखिए मेरे तीन पार्सल कुछ इस तरह से इसमें आए हैं। तो मैंने मंगाए थे चिकनकारी कुर्ते जो कि अलग 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 वेराइटीज़ के हैं। एक इतने अच्छे अच्छे मैंने ये वैरायटी मंगाई है, कॉटन में है, मलमल में है और जॉर्जेट में। तो तीन आपको वैरायटी यहाँ पे दिख रही होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। ये मलमल का है, इसमें बहुत सारे जो हैं प्रिंट मिल जाएंगे, मतलब कलर्स मिल जाएंगे। ब्लैक बेस ब्लैक ही रहेगा, बट ये जो फ्लावर है ना ब्लू, तो इसमें आपको पर्पल रेड मतलब बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, चार पाँच। तो ये अभी मलमल की कुर्ती है, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब इसमें उतना कलर इसका इन्हेंस नहीं हो रहा है जितना इसमें दिख रहा है। ये देखिए, और कपड़ा भी इतना फाइन है ना इसका, बहुत ही प्यारा इसका कपड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। इसका फ्रंट जो है देखिए फुल भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ है। अब चाहे मैं फुल बोलूं या भरा हुआ, बात तो एक ही है ना। ये देखिए, और नीचे में भी इसके इस तरह से मैं दिखा रही हूं। ये देखिए नीचे इस तरह से ना इसके, ये देखिए नीचे इस तरह से इसके दो बूटे दिए हुए हैं। तो एक ये लुक है, मैं भी इसे हैंग करके दिखाती हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत सा है ये। अब ये दूसरा आता है चिकनकारी कुर्ता एंड प्लाजो। ये देखिए ये इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आता है इसका प्लाजो। मुझे इसका प्लाजो का प्रिंट और प्लाजो पे वर्क जो हुआ हुआ था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। अब कपड़ा थोड़ा इसका लाइट वेट है, थोड़ा क्या लाइट वेट है। तो यहाँ पे इस तरह से पैचों में जो है प्रिंट दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे इतना इतना पूरा बूटे में वर्क है। ये देखिए इतना पूरा जो है बूटे जो अच्छा खासा इसका जो पैचा है पूरा वर्क हुआ हुआ है। इधर भी वर्क हुआ हुआ है और इस तरह भी वर्क हुआ हुआ, बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए इसमें बेल्ट दी हुई है, जैसे कि मैंने इसको, ये देखिए ये मंगाया है, ये भी कॉटन दिखा रहे, बट मुझे भी ये मतलब प्योर मलमल ही लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से मैंने इसे कर दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा कोई जो है कॉटन या मलमल का कुर्ता है। और यहाँ पे इस तरह से इसके पूरे दामन भी भरे हुए हैं, पूरा मतलब ऑल ओवर भरा हुआ है। और ये मुझे मिला है 679 या 97 समथिंग कुछ ऐसे ही है, मैं दिखा दूंगी आपको कि ये मुझे इतने में मिला है। और इतना कोई खूबसूरत मुझे ये सेट है। इसके कलर ऑप्शंस और थे बट अभी अवेलेबल नहीं है कलर ऑप्शंस कुछ भी। तो ये यहाँ पे मुझे ये ब्लैक ही मिला, तो मैंने सोचा चलो भाई मैं ब्लैक ही ले लेती हूँ, वरना मुझे ब्लू कलर भी इसका बहुत प्यारा लग रहा था। बट जो कलर और वर्क जो इन्हेंस होकर आ रहा है वो या तो रेड में आ रहा है या तो ब्लैक में आ रहा है। इस तरह से इसका स्ट्राइप जो है वो प्लाजो है और विद गार्डर है। इस तरह से स्ट्राइप इसका प्लाजो है, आप देख सकते हैं इसको। और फुल्ली जिसको बोलते हैं ना भरा हुआ, बिल्कुल इसको बोलते हैं भरा हुआ। ये देखिए ये पूरा मतलब जो फ्रंट है वो, फिर इसकी स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी स्लीव्स में भी कितना खूबसूरत सा कोई वर्क हुआ हुआ है, बूटे पड़े हुए हैं माशाल्लाह से इसकी स्लीव्स में भी। और ये हो गया इसका प्लाजो। अब फिर आते हैं इसके दामन वर्क में। तो ये देखिए इसके दामन में भी बड़े बड़े पान वाले जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो पान का कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है। ये देखिए पूरा कॉटन धागे से जो भी चिकनकारी वर्क है, और बहुत ही लाइट वेट है, इतना कंफर्टेबल है ये पीस, इतना कंफर्टेबल है। उसके दामन में भी इतना खूबसूरत सा वर्क हुआ हुआ है। तो ये जो हो गए ये दोनों, और इसके बैक साइड में भी बूटा है। अब आता है मेरा ये वाला चिकनकारी विद जॉर्जेट, और इसमें विद मिरर वर्क है, चिकनकारी इन जॉर्जेट विद मिरर वर्क।
तो ये देखिए कितना खूबसूरतगी से पूरा वर्क हुआ हुआ इसमें, मिरर का ही पूरा है। और ये मुझे कितने का मिला है, ये भी कुछ 600 मतलब समथिंग है कुछ। इसके साथ ये इनर भी मिला है, ये इसके साथ पूरा देखिए इनर मिला हुआ। मैं भी दिखाती हूँ, पहले मैं इससे ओपन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कलर कोई इतना खूबसूरत है, ये इसमें आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मेरी जो बेडशीट है वो रेड है, इसमें कलर उठकर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कलर है, बहुत ही ब्राइट सा कलर है। तो मैं भी आपके साथ, ये देखिए इसकी स्लीव्स पूरी फुल्ली भरी हुई है मिरर से। यहाँ पर जो है ये देखिए इस तरह से इसमें पूरा जो है मिरर आ रहा है, मतलब मिरर वर्क है पूरा इसके पैचों में, सॉरी इसके दामन में। ये देखिए आगे में पूरा इसका दामन वर्क भरा हुआ है, ये पूरा इस तरह से इतना खूबसूरत है। और ये देखिए ये इस तरह से पूरा बूटियाँ पड़ी हुई है। फिर ये आ जाता है गले का पार्ट, तो गला भी इस तरह से है कुछ। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आगे नज़दीक करके, ये देखिए ये पूरा जो है गला भरा हुआ है और इस शेप में जो है इसको पूरा इसका डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए इस तरह से है ये पूरा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। और फिर आ जाती है इसकी स्लीव्स की बारी, तो जी हाँ इसकी स्लीव्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। ये देखिए इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं कितनी भरी हुई माशाल्लाह से, ये देखिए ये देखिए आगे पीछे दोनों तरफ इसकी स्लीव्स पूरी भरी हुई है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक अगर होता तो मैं ब्लैक श्योर ज़रूर लेती, बट ना ही ब्लैक था ना ही रेड, मतलब अवेलेबल नहीं था, ब्लू था, बहुत सारे येलो थे, मस्टर्ड था, तो बस मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये वाला ले लिया। ये देखिए और पीछे भी देखिए इस तरह से जो है इसके पूरा पीछे बैक में एक कैरी बनी हुई है, ये देखिए एक कैरी बनी हुई है, ये देखिए बस। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है सीरियल वाइज। एक ये जॉर्जेट कुर्ती है, जॉर्जेट में जो चिकनकारी मिरर वर्क है ये फुल्ली, ये देखिए। और फिर ये आ जाती है इसकी शमीज़, जो इसका मतलब इनर है वो आ जाता है। और ये इतना कोई लंबा चौड़ा आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा करा, नहीं बड़ा तो नहीं बट हाँ छोटा करा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक के इसकी लेंथ दी गई है और चौड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हो गया एक, और एक ये हो गया, ये देखिए ये हो गया ब्यूटीफुल डन हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसमें भी वर्क हुआ हुआ है। ये हो गया वो प्लाजो वाला, ये हो गया वो वाला कुर्ता। तो आई होप आपको ये चैनल आपको इस पर पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। माई ग्लैम फैम।